नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे फिर से अपने लाइव डीए सेटअप के बारे में, जो कि आज हमारा डीए सेटअप बाड़ी है। तो फ्रेंड्स, हम बाड़ी के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम रास्ते में, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ और बाड़ी के लिए जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बाड़ी जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपने आज डीए सेटअप में क्या लगाया है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि फाइनली आ चुके हैं हम बाड़ी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये सीन है यहाँ का, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये शंभू रिसोर्ट है बाड़ी में। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं फाइनली हम, जैसा कि आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि आज हम अपने सेटअप में क्या लगा रहे हैं। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो कि इस सेटअप में हमने 4 टॉप एंड 2 बेस लगा रखी हैं और इसमें हमने 16 LED भी लगा रखी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि इस सेटअप में हमने किस कैसे कनेक्शन किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इसमें हमने 4000 वाट के 3 MOSFET लगा रखे हैं और हमने बेस डाल रखी है 4000 वाट पर और टॉप भी हमने 4000 वाट पर डाल रखे हैं, जैसा कि आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कौन सी कंपनी के MOSFET हैं। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो फ्रेंड्स हमने इसमें एक स्टेंजर का और एक XXSS का MOSFET लगाया हुआ है ऊपर प्रोटेक्ट का है, यानी कि ये तीनों MOSFET 4000 वाट के, और ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर और हमने क्रॉस ओवर लगाया, ये बोर्ड लगाया इधर स्टेपलायर, और ये मिक्सर लगाया है फ्रेंड्स जो कि यामा का है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको डीए सेटअप अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेटअप को चेक करके दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, चलिए चेक करते हैं। एक LED क्यों ना चल रही है?